पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये हाड़ौती का कॉन्फिडेंस है। ये हमारे पार्षद बैठे हैं, ये हमारे विधायक, ये जनप्रतिनिधि, जितने भी लोग, और बिल्कुल आक्रामक तेवर में थी। बोले क्या भाई साहब इधर उधर रोते फिरते हो, वार्ड का भी देख लो। मैंने कहा वार्ड में क्या हो गया, बोले 3 नंबर गली में नाली चौक है। मैंने कहा भाभी जी आप तो चाय पियो, अभी साफ करवाते हैं, नगर निगम फोन करेंगे, जैसी भी आएगी खुल जाएगी, इंजीनियर को बुलवाता हूँ। बोले क्या फोन करोगे, क्या इंजीनियर को बुलाओगे, आप तो जी हिलाओगे तो नाली साफ हो जाएगी। इस दुर्गति को प्राप्त होने के बाद भी इतनी अच्छी संयोजना लेकर अगर ये पार्षद ये परिषद आपके यहाँ बैठी है तो स्कर्टो एंड पेंटो, आंटी एंड अंटो, बच्चों के पेरेंटो और इस विजय श्री मंच के सामने से महेश विजय जी के नेतृत्व में विजयदशमी के इस दसरा उत्सव में उपस्थित सभी खूबसूरत मोमेंटों को केसर देव मारवाड़ी का राम राम, खम्मा गणी नमस्कार। दोस्तों मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ, लाडनू का रहने वाला हूँ, और जो जयपुर नगर निगम की सदगति हुई है वो कि वो कोटा की हुई है, मैं आपका साधु भाई हो गया इस हिसाब से। हमारे जयपुर में ही 2 मेयर बन गए, कोटा में भी अभी यही स्थिति है। वो मेरे को रावण मिल गया, दुखी होकर के पूछ रहा था भाई साहब अब मैं कोटा के किन लोगों के हिस्से में आऊंगा। एक तरफ ऊको नन्नी, दूसरी तरफ दक्को नन्नी, मैं किस कोटा वालों के हिस्से में आऊंगा। और ये पार्षद जी की बात कर रहे थे, ये पार्षद जी चतुर्वेदी जी तो बहुत इतने दिन से मेले के आयोजन में बड़े बिजी चल रहे हैं, पार्षदों की भी बड़ी दुर्गति हो रही है, वो करवा चौथ के दिन टाइम पर नहीं पहुंचे। लुगाई ने अल्टीमेटम दे दिया, जल्दी आओ फटाफट, ये इतने प्रोग्रामों में कितने दिन से प्रोग्राम चल रहे हैं, चतुर्वेदी जी बिजी, रमेश जी भागते भागते पहुंचे। उस समय उन्होंने अपनी लुगाई को कहा फटाफट पूजा करो, चांद निकलने में देरी हो रही थी, बोले फटाफट पूजा सल्टाओ, मुझे 2-4 जगह और जाना है। ये वो तो 2-4 जगह गए कि नहीं गए, लेकिन तू आज के बाद कहीं जाने लायक नहीं रहेगा। ये स्थिति है, जब मैं क्यों नहीं रहूंगा, मैं तो देखो मारवाड़ी आदमी हूँ, अपनी स्टाइल से काम चला लेता हूँ। मेरी घरवाली ने करवा चौथ पर डिमांड रख दी, मेरे को प्लाजो ला के दो। अब मैं जानू ही नहीं प्लाजो क्या होता, मैं मिठाई की दुकान पर चला गया। अरे बोले मैंने देखा पिज्जा की तरह प्लाजो होता होगा, तो मैंने राय ली कविता तिवाड़ी जी से, मैंने कहा ये प्लाजो क्या होता है। अरे बोले पहनने का होता है, राउंड पहनने के बाद नीचे जो पहनता है ना वैसा सा पजामा। और मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो भाई साहब मेरे बापू जी का एक पजामा सूख रहा था, मैंने उसके कलर कराया और लुगाई को लाके टिकाया। अब लुगाई प्लाजो पहन के घूम रही है मस्ती से, बापू जी पजामा ढूंढ रहे हैं और अपन मस्ती से प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं तो इस आनंद मस्ती के साथ जीने वाला कवि हूं, मैं जयपुर शिफ्ट हो गया भाई साहब। बताओ कितना प्रतिभाशाली है, अपने बाप को ही रामदेव बना दिया घर में। बापू जी का सम्मान करना चाहिए भाई साहब, 150वीं जयंती चल रही है। मैं आपको बताऊं, मैं जब से जयपुर ही, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। ये अच्छा करा, वरना तू आज आने लायक नहीं रहता। और ये मेरे को कह रहे थे काला है ये है, अरे आप यादव खानदान के हो, यादव खानदान में काला कन्हैया हुआ था, आपका तो गर्व की बात है आपके लिए। मैं मस्ती और आनंद वाला कवि हूँ। मेरी बात सुन, कन्हैया सांवले थे, सांवले और काले ढूस में बहुत अंतर होता है, तू काला कट है। नहीं, वो काला, तू इतना काला है कि अगर सच में तू नागालैंड स्थिति में खड़ा हो जाए तो गिलेरी तेरे ऊपर ही चढ़े बबूल छोड़ के। मैं काला इतना, कविता तिवारी जी के पास बैठा हूँ, आप भी उधर बैठो तो आप भी ऐसे ही लगोगे। प्लीज ये मैं हंसी मस्ती, और देखो अपने सनातन धर्म में सब तरह के देवता, बल के, बुद्धि के, काम के, दाम के, रक्षा के, शिक्षा के, जल थल नव सब के देवता, केवल एक हंसी हंसाने का देवता कोई नहीं है। और इसके लिए ब्रह्मा जी ने मेरे आर्यव्रत के भारत भूखंड में, राजस्थान प्रांत में हंसी के देव के रूप में केसर देव ने उतार
देने के लिए। मैं आपको हंसाने का प्रयास करूंगा, आप में से जो भी प्यार से, व्यापार से, सरकार से, लुगाई की फटकार से दुखी है, मैं उन सबको हंसाने का प्रयास करता हूं। मैं एक मस्ती के साथ, आपकी तालियों के साथ आपकी इजाजत चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, मैं जयपुर में रहता हूं, जयपुर में अंग्रेज बहुत आते हैं। एक अंग्रेज आ गया मेरे घर, मैंने करंसी के नाते उसे स्वीट डिश दी। वो बोला व्हाट इज दिस, अरे मैंने कहा दिस इज स्वीट डिश। बोले व्हाट स्वीट डिश, मैंने कहा सुन दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज बेचारा क्या जाने, बोले व्हाट गुलाब जामुन। अब मैंने कहा इसको समझाए, मैंने कहा इट इज एनर्जी कैप्सूल, दो पीस में पेट फुल। उसने खाया तो उसको बड़ा मजा आया और बोले वेरी नाइस, बाई विच इंग्रेडिएंट, बना कैसे, विच कंटेंट्स, बाई विच इंग्रेडिएंट। अब मेरे समझ में नहीं आया, मैंने सोचा उसको समझाना पड़ेगा। बोला बाई विच इंग्रेडिएंट, मैंने कहा इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोले व्हाट इज खोया। मैं उसको कैसे समझाऊं खोया, मैंने कहा खोया मीन्स मावा, बोले वावा, बट व्हाट इज मावा। अब मैंने कहा इसको समझाना पड़ेगा अपने को, इज नॉट समझिंग इन हिंदी, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश। तो मैंने कॉकटेल बना के टिकाया, अरे मैं उसने पूछा व्हाट इज मावा, मैंने कहा सर इट इज मिल्क बाई हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग। अरे काढू बाई मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, बाई मेकिंग लोया वी से इट खोया, इट इज ऑल्सो यूज इन एवरी सवा, सो वी कॉल्ड इट मावा। ये तो अपनी टेक्नोलॉजी, वो पास में मेरी माँ बाजरा कूट रही थी खिचड़ा बनाने के लिए, अंग्रेज ने देखा बोले विच ग्रेन, ये कौन सा अन्न है, बोले विच ग्रेन, मैंने कहा बाजरा, वो समझ भी नहीं आया। उसने खाया, बोले तुम्हारी मदर इसको क्यों बीटिंग, कूट क्यों रही है मुसल से। अरे मैंने कहा खिचड़ा बनाने के लिए, उनको खिचड़ा भी समझ में नहीं आया। उसने भरी मुट्ठी और बाजरा खाया तो उसको बड़ा मजा आया, बोला वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बट वाई आर योर मदर बीटिंग। फिर भरी दो मुट्ठी, फिर खाया, बोला वेरी प्रीटी, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी। भाई साहब ऐसा करते करते उसको इतना मजा आया कि 5-10 मुट्ठी बाजरा खा गया। उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, सुबह ट्रैफिक जाम, वो पसीने से भरा मेरे घर आया, बोले मिस्टर मारवाड़ी अपनी मदर को बोल दो मूषण मेरी तरफ से भी मार। अपन तो इस मस्ती वाले कवि है। और ये आदरणीय गजेंद्र जी मेरे को बता रहे हैं कि यार तुम ये बीबी बीबी की बातें मत करा करो, लुगाई जो होती है वो भगवान का प्रसाद होती है। मैंने कहा अच्छा, बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से रखना चाहिए, जिनको पता नहीं होता। नहीं हरिओम जी बता रहे थे, हालांकि मुझे पता है दोनों को ही पता नहीं है। क्योंकि मैं आदरणीय सत्यन जी का नाम नहीं ले सकता, इनको डबल एक्सपीरियंस है। तो वो तो उनके नाम में ही छिपा है सर, सत्यनारायण सत्यन उनका नाम है, तो सत्यनारायण क्या, तो दो ही होती, लीलावती कलावती दोनों होती है सबके कहने के बाद। और कोटा को क्या बता रहा है, कोटा वालों को तो सब पता है, इन सबके यही डबल सिस्टम है, और इसीलिए दो दो मेयर बनाने पड़ रहे हैं सर। वो दोनों डबल सिस्टम में, मैं बोले लुगाई बड़ी इज्जत की, भगवान का प्रसाद है, इसे बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से रखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर लुगाई भगवान का प्रसाद है तो फिर ये आजकल जो गर्ल फ्रेंड होती है वो क्या है। अरे बोले ये भी भगवान का प्रसाद ही है, पर ये भैरू जी का प्रसाद है। और आप जानते हो भैरू जी के प्रसाद को कभी घर नहीं ले जाना चाहिए। और मैंने कहा ये मामला है, ये दोनों वाला सिस्टम, इसीलिए दो दो मेयर बन रहे हैं। मेरे पड़ोस में एक सोनी जी रहते हैं, मैंने सोनी जी को कहा, मैंने कहा सोनी जी यार ये लुगाई गर्ल फ्रेंड में क्या अंतर होता है, बोले वेरी सिंपल, लुगाई चोरी कैरेट सोना का गहना। मैंने कहा वेरी गुड, और गर्ल फ्रेंड, बोले 1% वाला। और आप जानते हो बढ़िया डिजाइन तो 1% वाले में ही मिलती है।
अरे मेरे पड़ोस में है बैंक वाले, मैंने बैंक वाले से पूछा ये लुगाई और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है, बोले बावड़ा इतना भी नहीं जानता, लुगाई है सेविंग अकाउंट, 0% जीरो बैलेंस पे खुल जाती है, गर्लफ्रेंड चालू खाता कम से कम 10,000 का बैलेंस तो चाहिए ही चाहिए और उसको ब्याज भी नहीं मिलता है। मेरे पड़ोस में इधर एक माली, मैंने माली से पूछ लिया, सब्जी बेच रहा था, मैंने कहा भाई साहब आप बताओ लुगाई और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है, बोले बावड़े इतना भी नहीं जानता जितना मूली और लौकी में है। मैंने कहा कैसे, बोले लौकी जो होती है वो वाइफ की तरह होती है, सुबह जूस, दोपहर में सब्जी, शाम को हलवा, कड़वी जरूर होती है लेकिन हेल्थ का पूरा ध्यान रखती है। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड, बोले मूली यूज करके चार आदमियों में बैठो तो इज्जत जाने का डर एनी टाइम रहता है। वो हमारे पड़ोस में तो इतना वो एयरपोर्ट